Now let's talk about iPhone. इस बार के Apple के लॉन्च इवेंट में iPhone 15 सीरीज वाले लॉन्च इवेंट को सबसे ज्यादा Apple हिस्ट्री में डिसलाइक्स मिले हैं। अभी तक उन्होंने जितने भी लॉन्च इवेंट करे हैं ना, सबसे ज्यादा डिसलाइक्स इसी वीडियो में है। मतलब कुछ तो है जो ऑडियंस को पसंद नहीं आया है। तो आज की बात होगी iPhone 15 सीरीज के लॉन्च इवेंट के बारे में, हमें कैसे कैसे क्या क्या फीचर्स के साथ इस बार iPhone 14 के सारे फोन्स में हमें देखने को मिलता है। वीडियो को स्टार्ट, जो कमाल का फीचर हमें iPhone 14 सीरीज में iPhone 14 Pro और 14 Pro Max में देखने को मिला था, वो था डायनेमिक आइलैंड। अब वो इसको सारे फोन्स में लाया गया है। मतलब जो कमाल का फीचर होता है, पहले ये Pro Pro Max में देते हैं, उसके बाद में अगले साल उठा के इसे सारे फोन में दे देते हैं। लेकिन एक फीचर जो इन्होंने इस बार सारे फोनों में दिया है, वो है टाइप सी का सपोर्ट, ऑल थैंक्स टू यूरोप, जिन्होंने इन पे बैन लगा के टाइप सी पोर्ट को देना कंपलसरी कर दिया था। और एप्पल एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो अलग कंट्री के लिए अलग मैन्युफैक्चर करेगा, अलग कंट्री के लिए अलग, तो उनको काफ़ी महंगा पड़ेगा। इसीलिए अब सभी आईफोन्स में ग्लोबली टाइप सी का सपोर्ट हमें देखने को मिल जाएगा। मतलब अब मैं अपने टाइप सी से अपना फ़ोन, अपना आईपैड, अपना गिम्बल, अपना ईयरफोन, अपने स्पीकर्स, सारे गैजेट्स आप भी चार्ज कर सकते हैं, मैं भी चार्ज कर सकता हूं। खैर, अब एप्पल ने टाइप सी का पोर्ट तो दे दिया, लेकिन जो उनका लाइटनिंग पोर्ट था, ये उससे हर साल $5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते थे, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, और इससे एप्पल को काफ़ी लॉस हुआ है। तो और जो अपग्रेड हुआ है इस बार, वो है ब्राइटनेस का। अब मतलब ब्राइटनेस को हम लोग निट्स में नापते हैं, तो वो होने वाली है 2000 निट्स ऑल टुगेदर सारे स्मार्टफोन में, 15 से लेके 15 प्रो मैक्स सभी फोन्स में। लेकिन जो बैक पैनल का डिज़ाइन होने वाला है, वो अभी भी सेम एप्पल फॉलो कर रहा है। एप्पल आईफोन 11 से 11, 12, 13, 14, 15 अभी आ गया है, लेकिन बैक पैनल डिज़ाइन चेंज नहीं हुआ है। शायद एप्पल इसके थ्रू अपना ट्रेंड सेट करना चाह रहा हो, कि अगर कहीं पे आपको ऐसा कैमरा वाला फ़ोन दिखता है, मतलब वो आईफोन ही है, सबका अपना अपना एक डिज़ाइन पर्सपेक्टिव होता है। जैसे नथिंग का उनका बैक पैनल का लाइट्स जो कि सेम देखने को मिलता है नथिंग फोन 1 और नथिंग फोन 2 में। खैर, आगे बढ़ते हैं। 15 सीरीज की बात करें तो हमें इसका डिस्प्ले साइज देखने को मिलेगा 6.1 इंचेस का। कैमरा मेगापिक्सल होने वाला है 48 मेगापिक्सल, और रैम इस बार अपग्रेड करी गई है 4GB से 6GB, और बैटरी कैपेसिटी भी इस बार इंप्रूव्ड है 3349 mAh के साथ। अब जो इसका फ्रंट से चेंज हमें देखने को मिलेगा डिस्प्ले में, वो है डायनेमिक आइलैंड का इंट्रोडक्शन, जो कि हमें पिछले साल हमें सिर्फ 14 प्रो और प्रो मैक्स में था, वो इस बार आईफोन 15 में भी आ गया है। लेकिन अगर बैक पैनल के डिज़ाइन की बात करें, तो सेम वही दो कैमरे हैं, और जो आईफोन 11 से एप्पल अपना डिज़ाइन फॉलो करते हुए आ रहा है, वो ही पीछे हमें देखने को मिलेगा। डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में 1000 निट्स का ब्राइटनेस होगा, लेकिन आउटडोर की कंडीशंस में इसका जो पीक ब्राइटनेस जा सकता है, वो है 2000 निट्स का। अब देखना ये होगा कि ये धूप में कितना ज़्यादा थ्रॉटल करता है और अपनी ब्राइटनेस को कम कर लेगा, क्योंकि आईफोन 13 प्रो मैक्स और 13 सीरीज में भी हमें 14 सीरीज में भी हमें यही देखने को मिला था कि फ़ोन हीट होते ही अपनी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर लेता है, और फ्रेम ड्रॉप्स हमें देखने को पूरे यूआई में मिलते हैं। अब आगे बात करें हमें इसके जो चिपसेट में जो होने वाली है आईफोन 15 में, वो हमें लास्ट ईयर वाली आईफोन 14 प्रो सीरीज़ वाली आईफोन से A16 हमें चिप मिलेगी। मेमोरी वेरिएंट के बाद सभी में हमें 6GB रैम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब एप्पल हमें कभी भी रैम और बैटरी कैपेसिटी के बारे में खुल के अच्छे से नहीं बताएगा, ना ही हमें फ्लिपकार्ट के लैंडिंग पेज पे हमें देखने को मिलती है, लेकिन हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो चीज़ हमें सभी आईफोन में मिलेगी इस बार, वो है 48 मेगापिक्सल का कैमरा। मतलब हमें आईफोन 15 से 15 प्रो मैक्स तक साथ में 48 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। लेकिन कमाल की बात है, जो कैमरा के अंदर का सेंसर है, वो 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स में ज़्यादा अच्छा वाला यूज़ किया गया है, लेटेस्ट वाला। लेकिन जो हमें 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में देखने को मिलता था, वो इस बार 15 और 15 प्लस में देखने को मिला है। मतलब जो 15 प्रो और प्रो मैक्स होने वाला है, उसमें इम्प्रूव सेंसर है। अब एप्पल ऐसा हर साल इसीलिए करता है ताकि आप उनके प्रो वेरिएंट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो और उनको ज़्यादा बाय करें। 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है मेन कैमरा से और फ्रंट कैमरा से भी। अगर वहीं हम लोग एंड्रॉयड की बात करें, तो बहुत कम ऐसे हमें फ़ोन देखने को मिलेंगे जो कि हमें फ्रंट में 60fps का वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन देते हैं। एक और चीज़ जो इम्प्रूव करी गई है, वो है आईफोन के कैमराज में इस बार लेंस पे कोटिंग हमें देखने को मिलेगी, जो कि पहले नहीं थी। जैसे वीवो अपना टीस्टर कोटिंग करता है, वैसे ही इस बार के लेंस में कोटिंग है। लेकिन इससे सोचा यह गया था कि फ्लेयर देखने में लाइट्स के हमें कम मिलेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है। स्पीकर्स की बात करें तो इस बार के आईफोन 15 में भी डुअल स्पीकर देखने को मिलेंगे, लेकिन 60-40 का रेशियो होगा, यानी 60% आवाज़ हमें बॉटम वाले स्पीकर से और 40% आवाज़ हमें ऊपर वाले स्पीकर से मिलेगी। और जो रिचनेस और जो बेस है, उसे भी इस बार इम्प्रूव किया गया है, और बैटरी कैपेसिटी को ऐसे एडवर्टाइज़ किया गया है कि आप सिर्फ आधे घंटे में 50% बैटरी फुल हो जाएगी। चार्जर जो पहले 20 वाट तक सपोर्ट करता था, वो अब इम्प्रूव करके 27 वाट तक कर दिया गया है। अभी भी एप्पल की चार्जिंग स्पीड काफ़ी स्लो है, कहा जा रहा है जो लोग आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स में जिन्होंने iOS 17 का अपडेट किया है, उनके फ़ोन को चार्ज होने में 2-2.5 घंटे लग रहे हैं, और फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट भी हो रहा है। और बाकी डिटेल्स अगर आप इसी iOS 17 के ऊपर चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, हम इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। सैटेलाइट कनेक्टिविटी की बात करें, तो वो हमें अभी भी सिर्फ बाहर के देशों में देखने को मिलता है। ये आईफोन
14 सीरीज के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन अभी भी आईफोन 15 सीरीज लॉन्च होने के बाद एक साल के बाद भी अभी भी इस फीचर को इंडिया में देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे दो नई कंट्रीज इन्होंने ऐड करी हैं, लेकिन इंडिया उसमें भी अभी नहीं है। कलर्स की बात करें तो इस बार के नए कलर्स कुछ ये रहे आपके स्क्रीन पे, लेकिन जो इस बार जो गोल्ड कलर इन्होंने नहीं दिया है, जो कि हमेशा एप्पल का बहुत ही पॉपुलर रहता है। और म्यूट स्लाइडर जो हमें यहाँ पे हमें साइड में मिलता था, जिससे हम अपने फ़ोन को साइलेंट और वाइब्रेट में ही सिर्फ कर सकते थे, इस बार वो उसे इम्प्रूव करके एक्शन बटन में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब अब हम इससे अपना कोई भी चीज़, कोई भी ऐप या फिर कोई भी कैमरा का मोड, स्पेशल कैमरा का मोड भी हम टॉगल कर सकते हैं सिर्फ वन क्लिक में। तो ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। जो नई चीज़ है इस बार वो है फ़ोन के साइड का फ्रेम। इस बार उन्होंने मेटल यूज़ किया है टाइटेनियम का, जो कि हमें पहले के मुकाबले काफ़ी हल्का फ़ोन को बना देगा, लेकिन ये सिर्फ आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के लिए ही है। शायद हमें अगले साल आईफोन 16 सीरीज के साथ यही फीचर सब में देखने को मिलेगा कि उनका जो फ्रेम होने वाला है वो टाइटेनियम का। अब पहले का जो प्रो सीरीज़ में जो फ्रेम होता था, जैसे ये एल्यूमिनियम का है, तो पहले स्टील होता था, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन पे काफ़ी सारे फिंगरप्रिंट्स और ऑयली मार्क्स आ जाते थे, जिनको बार बार साफ़ करना होता था। एयर टैग का फीचर मिलता था कि हम अपने एयर टैग को ट्रैक कर सकते हैं, वैसे ही अब अपने एक आईफोन से आप दूसरे आईफोन को भी ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन क्यों नहीं पसंद आई है इसको कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।